जय माता दी। नवरात्रे आने वाले हैं, 26 तारीख से सोमवार से नवरात्रे शुरू हैं। नवरात्रे माँ दुर्गा को समर्पित किए जाते हैं और जो माँ दुर्गा हैं वो हमारी बुध ग्रह के लिए जानी जाती हैं। अब अगर आपके बिजनेस में बरकत नहीं हो रही, आपके जीवन में तरक्की नहीं हो रही, आप जो भी काम कर रहे हैं पैसा आ ही नहीं रहा, तो इन नवरात्रों में आप ऐसा क्या उपाय करेंगे जिससे कि आपके काम में, आपके जीवन में बरकत हो, आपके बुद्धि जो है वो सही जगह पर काम करे, यानी आपके डिसीजंस जो हैं वो सही रहें, आपके घर की बहन बुआ बेटियां हमेशा सुखी रहें। आपको ऐसा क्या उपाय करना चाहिए कि अगर आपकी बहन बुआ बेटियों की शादियां भी लेट हो रही हैं, नहीं हो रही, या उनको विवाह संबंधित अड़चन आ रही है, या आपको आपकी बहन बुआ बेटियों से परेशानी आ रही है, तो इन नवरात्रों में आप ऐसा क्या उपाय करेंगे जिससे कि आपके जीवन में एक तो पैसे की स्टेबिलिटी आ जाए, आपका काम अच्छा चलना शुरू हो जाए और आपके घर की बच्चियां हमेशा सुखी रहें। देखिए, मैंने आपको कहा है कि बुध ग्रह माँ दुर्गा को समर्पित है, क्योंकि बुध जो होता है वो होता है बुद्धि। हमारा बिजनेस, हमारे जीवन की बरकत, पैसा आना, स्थिर रूप से रुकना। अब हम इस नवरात्रों के जो पहले बुधवार आएगा, जो कि आपका 28 तारीख को पड़ रहा है, 26 तारीख को पहला नवरात्रा है, 27 को दूसरा और 28 को तीसरा, यानी सोमवार, मंगलवार और बुधवार, ये उपाय आपको बुधवार को करना है। और आपको करना क्या है, आपको एक चांदी का छत्र लेना है। देखिए, ऐसे चांदी का छत्र ले लीजिए और इस चांदी के छत्र में आपने मौली बांधनी है, और मौली बांधने के बाद आपने इसको माँ दुर्गा के ऊपर ये छत्र चढ़ाना है। साथ में आप लाल चुनरी चढ़ाएंगे, बढ़िया सी, बड़ी वाली। माँ को हरे रंग की, प्लेन हरे रंग की चूड़ियाँ चढ़ाएंगे, श्रृंगार का सामान अर्पित करेंगे और साथ में आप अर्पित करेंगे 5 मीठे पान। ये आप चीज़ें माँ दुर्गा को अर्पित करें बुधवार के दिन नवरात्रों में, जो भी पहला बुधवार आ रहा है। मात्र इतना सा करने से ही आपके जो जीवन में रुकावटें आ रही हैं, आपके जो बिजनेस में रुकावटें आ रही हैं, घर में बरकत नहीं हो रही, घर की बहन बुआ बेटियां सुखी नहीं हैं, तो ये आपको उपाय ज़रूर करना चाहिए। दूसरा, लोग पूछते हैं कि उपाय कब करना चाहिए। आपको सुबह नहा धोकर सबसे पहले मंदिर जाकर माँ को ये सारा सामान अर्पित करना है। पंडित जी को कहना है कि वो माँ को ये सारा सामान अर्पित करें, आपके लिए प्रार्थना करें, और आपने पंडित जी को अपनी श्रद्धा क्षमता अनुसार दान दक्षिणा भी देनी है और आशीर्वाद भी लेना है। इतना सा करने से ही अगर आप जब भी नवरात्रे आते हैं, नवरात्रे के जो पहला बुधवार आए, हर बार आप ये उपाय करेंगे तो आपकी जो जीवन की बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम है या घर की आपकी बच्चियां दुखी हैं, तो वो परेशानियां दूर होनी शुरू हो जाएंगी। जय श्री राधे, जय गुरु जी।